अंग्रेजों वाला जो शासन था ना 1911 का, वही आज चल रहा है, उसको बदलना चाहिए और सैनिकों की सुननी चाहिए। सैनिक 40 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, उनको सुनने के लिए अभी तक मंत्रालय से कोई आदमी आया नहीं है। यह मदतकाल है, किस बात का मदतकाल? मेरी समझ ये नहीं आता, किस बात का मदतकाल है? वो फ्री में देना चाहिए कोई चीज़? मैं तो फ्री को एक भीख समझता हूँ। अपने क्या है हिंदू राष्ट्र, अपने आप सब कुछ आएगा। हम घर में बैठे रहेंगे, हमारे घर में धन के ढेर लग जाएंगे। आप रिपोर्ट निकाल के देखिए, चाइना बॉर्डर पे गांव के गांव बसे हैं ये मोदी सरकार आने के बाद। बीजेपी के कितने नेताओं को पद बलात्कार के केस आए। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे चारों ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिटायर्ड सेना में जो है आर्मी वाले हैं, यहाँ पे रिटायर्ड फौज से जो है रिटायर हो चुके हैं और ये लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं। लगभग 40 दिन हो गया है ये लोग अभी तक यहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए, लेकिन अभी ये लोग इन लोगों से पूछते हैं कि 40 दिन तो हो गए, कब तक ये लोग यहाँ पे बैठेंगे, कब तक इनकी मांग पूरी होगी? क्या लगता है सर, यहीं पे बैठना पड़ेगा? मैं सुरेंद्र पहलवान, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ, सभी फौजी भाइयों को जय हिंद बोलता हूँ। जैसा आपने कहा, लगभग 40 दिन हो गए हमें यहाँ जंतर मंतर बैठे हुए, लेकिन सरकार सुनी नहीं रही है। कैसे कह रहे? और कहाँ सुन रही है? 40 दिन रही है, सबकी सुन रही है सरकार? नहीं, सरकार सुनती है तो आप 40 दिन नहीं छोड़ लेते हैं? रही है कि देखिए, आप में जो केजरीवाल की सरकार है, आप आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार से कोई लेना देना नहीं। सुनो तो सर, सुनो तो, दिल्ली की सरकार है, लेकिन सरकार कितना जल्दी सुनती है वो आपको मैं बताती हूँ। केजरीवाल सरकार ने जो है मोदी विरोधी पोस्टर लगाए, तुरंत 100 FIR हो गए और आप बोल रहे हैं उसके लिए जल्दबाजी है ना, FIR करने की जल्दबाजी है, लोकसभा से सदस्यता रद्द करने की जल्दबाजी है, सजा दिलवाने के लिए जल्दबाजी है। लेकिन जो सैनिक 40 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, उनको सुनने के लिए अभी तक मंत्रालय से कोई आदमी आया नहीं है, तो कहाँ जल्दबाजी हुई उनकी है? मैंने मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जो है दिवाली और होली में लड्डू जाके खाते हैं सेना के साथ। हाँ बिल्कुल खाते हैं, अपनी जाकेट पहनते हैं आर्मी की, फोटो भी कराते हैं। बेकाऊ गोदी मीडिया है, वो उनको पूरे दिन दो दिन तक शूट करती है और पब्लिक को दिखाती है आके राष्ट्रवादी है। मैं तो उसको राष्ट्रवादी मानता नहीं हूँ, राष्ट्रवादी होता तो यहाँ आते। हम होली वाले दिन गुलाल और गुंजिया लेके आए थे, सभी जितने दिल्ली पुलिस के CRPF SSB के सभी गुलाल लगाए, उनको गुंजिया खिलाई, आते मनाते हमारे को खड़ा करके चले जाते भी। हम देखते हैं, हमने कोई जिद नहीं थोड़ी, कोई उनसे कोई बैर नहीं थोड़ी, दुश्मन नहीं थोड़ी है। अगर भाई हम उनके खिलाफ बैठे हैं, हम थोड़ी मांग के लिए बैठे हैं। हमारी मांग है, जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग है? एक बार और फिर से आप बताएंगे? वैसे तो कई कितनी बात तो हम बता चुके हैं इनको, यानी हम बता के भी थक चुके हैं। जो हमारी वन रैंक वन पेंशन की है, जो दूसरी जो है विधवा पेंशन की है, वीर नारियों की पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, और एक स्पेशल आर्मी की जो प्रॉब्लम्स है वो सहायक प्रथा को लेके है। वो सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए, करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है उसके खिलाफ। कैसा करप्शन? नहीं, कई करप्शन होते हैं, सारी चीज़ नहीं बोला जाता है। कई चीज़ हैं जो पहले जो सैनिक जाते थे वो अनपढ़ ज़्यादा जाते थे, आज पढ़ा लिखा सैनिक है, आज ग्रेजुएट करके भी फौज में जा रहे हैं, तो वे जो घरों में काम करना पसंद नहीं करते, तो जब सरकार उनको देश के लिए भर्ती करता है तो उनको उनसे घरों में काम ना कराया जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं कराना चाहिए, अलग से भर्ती कर लो, नॉन मैट्रिक की भर्ती कर लो उसके लिए। तो एक ग्रेजुएट को अगर तुम घर पे झाड़ू पोछा करोगे, जो सहायक पद था उसका यही काम होता है, जो सहायक के लिए भेजेंगे उसको घर का काम कराना, झाड़ू पोछा कराना, घर का काम कराना उसके लिए, जैसे नेवी एयरफोर्स के घर में जाके, ऑफिसर्स के घर में, जैसे नेवी है, नेवी में ऐसी कोई प्रथा नहीं है, मैं नेवी से रिटायर हूँ, लेकिन आर्मी में है, उसको सरकार ने बंद करना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन की बात कही कि जो आपके जो सीनियर्स हैं उनको ज़्यादा पेंशन मिलता है, उनके साथ अगर इंजरी हो जाती है तो उनको जितना मिलता है उतना ही आप लोग को भी मिला। देखो, जो सबसे बड़ा इशू है ना वन रैंक वन पेंशन में, वो MSP को लेकर है। MSP
जबकि ऑप्शंस के लिए थी नहीं, लेकिन उन्होंने ले ली वो। लेकिन अभी पहले क्या ना, मंच और माइक दोनों ऑफिसर के हाथ में थे, हमने मंच और माइक दोनों उनसे ले लिए। आज हम अपना कोई भी प्रतिनिधि ऑफिसर को नहीं करेंगे, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा MSP को लेके है, ऑफिसर की 15,500 है, वहीं एक MNS होती है, नर्स होती है हमारे हॉस्पिटल में, उनकी 10,800 है, और हमारी जो है सिपाहियों की सिपाही से ओनरी तक 5200 रुपये है। इतना बड़ा फर्क जो है, बहुत बड़ा भेदभाव है ये, एक गुलामी की पीड़ा से वो है। अब भाई ये जैसे अंग्रेज देते थे ना, वही चीज़ आज किया हुआ है सैनिकों के साथ। अंग्रेजों वाला जो शासन था ना 1911 का, वही आज चल रहा है, उसको बदलना चाहिए और सैनिकों की सुननी चाहिए। लेकिन आप अंग्रेजों की बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी अंग्रेजों के जमाने की जो हालत है, लेकिन ये तो बहुत वही कानून चल फौज के अंदर अमृतकाल चल रहा है सर। अमृतकाल किस बात का? अमृतकाल आजादी का अमृतकाल। और क्या होता है अच्छा अमृतकाल में? क्या होता है? आखिर हम ऐसे बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, भोजन हमारे मुंह में आ जाएगा, पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा, ये अमृतकाल है? किस बात का अमृतकाल? मेरी समझ ये नहीं आता, किस बात का अमृतकाल है? वो क्या है अमृतकाल? लोग को रोजगार मिल रहा है, सेना खुश है। किसको किसको मिला रोजगार? गरीब खुश। आपको रोजगार मिला है? आपको रोजगार मिला है? 5 किलो राशन मिल रहा है गरीबों का, 80 करोड़। 2014 में हमारी 32 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। आज जैसा आपने भी कहा, एडवर्टाइजमेंट भी आता है, आए दिन बीजेपी वाले अपना झंडा बुलंद करते, 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 5 किलो राशन कौन लेगा जो गरीबी रेखा से नीचे चला जाएगा? तो मतलब ये है, टोटल शासन चलाने में 0 है, फेल है। जब 32 करोड़ से 80 करोड़ पहुंचे गरीबी रेखा से नीचे, तो फिर अच्छे कहां से हुए? कौन सा अमृतकाल हुआ ये? अमृतकाल जब मानते, जब 32 करोड़ से ये 3 करोड़ पे ले आते, तब अमृतकाल होता। फ्री में तो दे रहे ना खाना? फ्री में देना चाहिए कोई चीज? मैं तो फ्री को एक भीख समझता हूँ, मैं नहीं समझता। उसको रोजगार दो ना जो फ्री में देना ही ना पड़े, रोजगार तो फ्री में क्यों दे रहे हो? बोल तो रहे हैं कि पकौड़ा तलो, आज आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तलो। आप इसको छोड़ पकौड़े तल के देखो ना एक बार, आप इसको छोड़ के पकौड़े तल के रेडी लगा लो या अच्छा डोमेस्टिकेशन चल रहा, अच्छे बिकेंगे पकौड़े भी। ये बकवास है सारी, एक भाषण जीवी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश का बेड़ा गर्क तो कर चुके और हो जाएगा। कैसे कैसे आप ये कैसे बोल सकते हैं? धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, हिंदू राष्ट्र बनने की बात कह रहे हैं। राष्ट्र क्या अपने, क्या है हिंदू राष्ट्र? अपने आप सब कुछ आएगा, हम घर में बैठे रहेंगे, हमारे घर में धन के ढेर लग जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, तब तो कुछ खाएंगे पिएंगे, सुरक्षित कब नहीं थे? बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा फिर सुरक्षित होंगे। देश आजाद होने के बाद से बिल्कुल हर चीज सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। ये तो एक खामे खा गए, सुरक्षित है, हिंदू है, क्या है हिंदू मुसलमान? देश में रहने की आज़ादी सभी धर्मों को है, और हम इसकी सभी धर्मों के लिए सहमत हैं। तुम हिंदू राष्ट्र बना लो, तुम कोई भी राष्ट्र बना लो, कमाना पड़ेगा, रोजगार चाहिए। आज जनता को रोजगार चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। अग्निवीर योजना तो ला दिया, आप क्या कहते हैं? हे भगवान, अग्निवीर ला के ना, आप हमारी उम्र बीत चुकी है, अग्निवीर योजना ना हम तो बीत चुकी है, हम तो कमा चुके हैं, आप लोगों के साथ धोखा है। वो जो आप यंग हो ना, उनके पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आप 4 साल में आके क्या करोगे? डिग्री मिलेगी, पैसे मिलेंगे, क्या करोगे उसका? पैसे का पकौड़ा तलेंगे। अच्छी बात है, तल के देखो फिर, जब आए ये 4 साल बाद जब देखा जाएगा वो, तो आप एक मैसेज ये दो, सही सही बात का वो करो, वन पैसे पतोड़े पतोड़े छोड़ो। एक सवाल, आखिरी सवाल, सब लोग जब चाइना को भगा दिया गया तो मोदी जी सब, हमारी चाइना की बॉर्डर, सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए, सब लोग बोल रहे थे कि मोदी जी है सर, सवाल ले लीजिए, मोदी जी है इसीलिए मुमकिन है, इसीलिए चाइना भाग गया। आप रिपोर्ट निकाल के देखिए, चाइना बॉर्डर पे गांव के गांव बसे हैं ये मोदी सरकार आने के बाद।
ठीक है, ये कहने से बात नहीं बनती है, प्रैक्टिकली देखो रिपोर्ट लो कितने गांव बसे हैं अभी, बहुत गांव बसे हैं। सरकार कहती है हम जवानों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए काम करें, लेकिन जवान 40 दिन से यहां बैठा हुआ है, क्या कहेंगे आप? पिछले 3 साल में बलात्कार केस निकाल के देख लो देश में कितने, तो होते रहते हैं, लड़कों की गलती है। क्यों लड़के क्यों गलती है? हमारी गलती है, हो जाती है गलती। हमारी गलती है, गलती लड़की कोई गलती नहीं होती, आदमी गलती है। एक लड़की के साथ 3-3 4-4 वो सेंगर को देख लो, बीजेपी का ही नेता था, उसने पूरे परिवार को ही मरवा दिया। ये राजनेता है, बीजेपी के कितने नेताओं के ऊपर बलात्कार के केस आज? यानी कहाँ है केस? कोई नहीं, वो लोग बहुत साफ सुथरा इंसान है, आप फालतू की बात। बहुत साफ, भगवान ऐसे साफ सुथरे उनको दामाद भी मिले, बीजेपी वालों को, हम तो ये कहते हैं। लेकिन सर एक आखिरी सवाल है कि अमित शाह जो है गृह मंत्री है, वो कहते हैं कि मोदी के अलावा कोई नहीं बन सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। रहने तो वो कह रहे हैं, कहने तो उनको, हमें तो उस चीज से कोई जाना नहीं है उनके ऊपर। हमें उस, देखो हमें अमित शाह की किसी भी स्टेटमेंट पे, वो तो ये भी कह रहा है कि बारहवीं पास करके इंटर में एडमिशन ले लो तो हम लैपटॉप देंगे, वो तो ये भी कह रहे हैं। वो तो जवान फिसल गए सर, जवान फिसल गए। ना ना, जवान अनपढ़ों की स्टेटमेंट है, ठीक है, सरकार मिली हुई है, लोग अनपढ़ों की स्टेटमेंट में कोई नहीं जाते हम। और क्या लगता है कब तक आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा? जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे। धन्यवाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 40 दिन से ये लोग जो हैं धरना दे रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। और ये जो है ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अनपढ़ों की सरकार है, हम इनके स्टेटमेंट पे कोई राय नहीं देना चाहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि इनकी मांग कब तक मानी जाएगी? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।